हम दाऊद यूनिवर्सिटी के 50 साल तकरीब के अंदर मौजूद हैं और खालिद सुबहानी साहब OGDCL के मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे साथ हैं। सर थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ के एलुमनाई हैं और इतने अरसे बाद दोबारा इस इंस्टीट्यूशन में आना कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, मैं तो आता रहता हूँ, सो इट्स नॉट कि मैं बहुत अरसे के बाद आया हूँ। मेरी डॉक्टर अब्बासी के साथ भी मुलाकात रहती है। मतलब ये इंस्टीट्यूशन है जहाँ से हमने ग्रो किया और जहाँ भी आज हम हैं उसमें बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है इसका। सो ऑब्वियसली बड़ी खुशी होती है, बाज़ औक़ात दुख भी होता है कि जिस हालात में हमने इसको ज्वाइन किया था अनफॉर्चुनेटली वो हालात आज नहीं है। और पिछले 30-40 साल के अंदर आपने सुना ही जो जो यहाँ प्रॉब्लम्स रही हैं, बट अब खुशी है कि माशाल्लाह दे आर ऑन द प्रोग्रेस पाथ, सो होपफुली थिंग्स विल गेट बेटर। आगे फ्यूचर कैसा देखते हैं? फ्यूचर अच्छा है, मतलब डॉक्टर साहब ने बड़ा काम किया है। मतलब दाऊद कॉलेज तो जिस लेवल पे पहुंच गया था वहाँ से एक ज़माने मेरा ख्याल था कि ये दोबारा उठ नहीं सकेगा, तो डॉक्टर अब्बासी ने बड़ा काम किया है, इसको इस लेवल तक लाए हैं। तो ऐसे ही मेहनत रही, गवर्नमेंट की सपोर्ट रही, इन्हें ऑब्वियसली फंडिंग चाहिए, पैसे चाहिए और अब इनको रीच आउट करना पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर की तरफ भी। तो यू नो देर इज़ अ प्लान, आई होप दे विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट इट। OGDCL इंडस्ट्री है और ये एकेडमिया है, तो इंडस्ट्री एकेडमिया रिलेशनशिप के अंदर आप दोनों कितने करीब हैं? नहीं, हम बिल्कुल भी करीब नहीं हैं। और अगर आपने अपनी मेरी स्पीच सुनी हो तो यही मैंने कहा था कि समहाउ पाकिस्तान में जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो बिल्कुल अपने कोकून में काम करती हैं, दे आर वेरी आइसोलेटेड। अदर देन एक लम्स है एंड प्लस GI के जो फिर भी इन कॉन्टेक्ट रहते हैं। तो ये बड़ा एक मेरे हिसाब से इशू है कि देर इज़ अ लॉट ऑफ गैप बिटवीन व्हाट इंडस्ट्री वांट्स एंड व्हाट यूनिवर्सिटीज आर प्रोड्यूसिंग। तो यही मेरी स्पीच की भी थीम थी, आज हमें बहुत क्लोज आना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच सर।